The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. तो आज फिर एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ टॉपिक के बारे में आज को समझाएंगे. आज बात करेंगे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बारे में. इसका मतलब क्या कि दिमाग की प्रॉब्लम आ रही है जो आज एजिंग के साथ, ज़्यादातर उम्र के साथ आने लगती है. अब ये क्या है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट? बेसिकली एक स्टेज है जो नॉर्मल एजिंग और डेमेंशिया, दिमाग काम नहीं करता यानी भूलने की बीमारी है, उसके बीच में कहीं आता है. इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम आपको मेमोरी से आएगी, कुछ याद नहीं रहेगा, या थिंकिंग और जजमेंट में इशू आएगा, सोचने समझने की शक्ति में, या लैंग्वेज में याद नहीं रहेगा क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, या बोलना क्या है, या वर्ड क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी. माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बहुत सारी चीज़ों को मिला के बोला जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी बीमारी है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, सो आप जानेंगे कि आपकी मेमोरी या आपके मेंटल फंक्शन जो है वो स्लिप हो गया है, राइट? आपको पता होगा कि कुछ गड़बड़ है और आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स भी नोटिस करेंगे, मगर इतने सिवियर या इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे, इतनी गड़बड़ी नहीं होगी कि आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम करने लगे, ठीक है, या यूजुअली एक्टिविटी में प्रॉब्लम करेंगे, आप अपने काम धंधे ना कर पाओ, इतना नहीं होगा. इसे कहते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. अब इसमें क्या होता है, इसमें जरूर आपका रिस्क बढ़ जाता है आगे चल के डेमेंशिया, भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर्स डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है. और ऐसे भी कई लोग होते हैं, कुछ लोगों में, कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है ये बढ़ता ही नहीं है और धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है. तो अगर आपको ऐसा है तो क्या होगा, ब्रेन जो है आपका वो एक आपकी बॉडी का एक पार्ट के जैसा, उसको रेस्ट चाहिए, ठीक है, और उसको वो अपने उम्र के साथ चेंज होता रहता है और ग्रेजुअली उम्र के साथ जो है उसमें भी डीजनरेशन होता है. सो कई बार उम्र के साथ हमें फॉरगेटफुलनेस फील होती है कि हम भूल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही भूल रहे हैं, और याद करने में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है, किसी पर्सन का नाम, कुछ काम, कुछ ये. बट अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, अगर ये इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंटली हो रहा है और ज़्यादा लंबे समय तक हो रहा है, तो हो सकता है आपका मेंटल परफॉर्मेंस, मेंटल या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं. कॉग्निटिव इशू जिसको हम क्या क्या उसमें फॉलोइंग, उसमें क्या क्या आता है, कॉग्निशन में क्या क्या आता है, एक तो आप भूलने की बीमारी हो गई, और जैसे कोई अगर मान लीजिए इवेंट है, कोई अपॉइंटमेंट है, वो आप भूल जा रहे हैं, आप अगर आप कन्वर्सेशन करते करते कोई और ही टॉपिक में चले गए, ठीक है, या बुक्स या मूवीज जो हैं उसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन वो कुछ गलत बोलने लग गया, एक दो मूवीज को मिला दिया आपने, मिक्स कर दिया, सो समथिंग लाइक दैट. और कई आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपको कोई डिसीजन लेने में, कुछ प्लान करने में, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, या फिर आपको कोई फेमिलियर इन्वायरमेंट में रास्ता ढूंढने में, घर में ही अपने रास्ता याद नहीं आ रहा, ऑफिस में याद नहीं आ रहा कि कहाँ जाना था, वो कहाँ जाना था, इस प्रकार की प्रॉब्लम, या फिर आपकी जजमेंट जो है वो इम्पल्सिव होती जा रही है, इंक्रीजिंगली पुअर जजमेंट होती जा रही है, आपकी फैमिली और फ्रेंड इसे नोटिस कर रहे हैं, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और ये एक माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है ये कई बार कुछ और प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो, इरिटेबिलिटी में हो, कोई एनजाइटी में हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है. तो इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है, देखो करंटली ऐसा नहीं है कि ये जाके सीधा अल्जाइमर्स डिजीज की शुरुआत ही है, पहली बात, लेकिन कुछ प्रकार के ऐसे चेंजेस होते हैं जो ब्रेन में होते हुए दिखते हैं डेवलपमेंटल, कि वो चेंजेस डिटरमाइन करते हैं कि हो सकता है उनके वजह से ऐसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो रहे हो. लाइक टेम्पररी वाले नहीं, टेम्पररी वाले तो मैंने बता दिया, एंग्जाइटी की वजह से हो सकते हैं, डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं, परमानेंट वाले अगर हो रहे हैं तो वो हो सकते हैं कुछ प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, एबनॉर्मल क्लम्प्स ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स, जो माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन क्लम्प्स होते हैं जिनको हम टाउ प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो एक्चुअली टाउ प्रोटीन्स, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स अल्जाइमर्स डिजीज कॉज करते हैं, वो एक कॉज है.
दूसरे प्रकार की बीमारी जैसे पार्किंसंस डिजीज, लेवी बॉडी, माइक्रोस्कोपिक क्लम्प होते हैं दूसरे प्रकार के प्रोटीन के, वो भी डिपॉजिट हो सकते हैं, जो जो भी डेमेंशिया कर सकते हैं। और कई बार छोटे छोटे स्ट्रोक होते हैं, छोटे छोटे खून की नसें हैं जो बंद हो रही हैं क्लॉट के वजह से। सो लंबे समय में माइनर इश्चीमिक इंजरीज होती हैं, इन्हें खून नहीं जाने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से चोट पहुंच रही है छोटे छोटे हिस्सों को, और एक्चुअली जाके डैमेज इतना बड़ा हो गया कि सिम्टम आने लगे। ऐसे में कैसे पता चला? ब्रेन की इमेजेस की एमआरआई कर करके देखें लोगों के, तब ये पता चलता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, ब्रेन का एक रीजन होता है मेमोरी के लिए जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, अगर वो आपका श्रिंक हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ऐसे सिम्टम्स आएंगे। ब्रेन के अंदर अगर जो वेंट्रिकल्स होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर वो हिस्सा बड़ा हो जाए, है ना, जो सीएसएफ का ड्रेनेज जो है वो बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, कुछ हिस्से दिक्कत हो जाए, तब भी प्रेशर के वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और कई बार रिड्यूस्ड यूज ऑफ ग्लूकोज, जी हाँ, रिड्यूस्ड यूज ऑफ ग्लूकोज, शुगर बहुत ज़्यादा कट कर दिया आपने, तब भी, क्योंकि शुगर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन सेल्स, सो कई बार उसके वजह से भी सिम्टम्स टेम्पररी देखे जा सकते हैं या बढ़ सकते हैं। सो किसको होगा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, रिस्क किसको है? उम्र अगर आपकी ज़्यादा है, अगर आपके जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, फैमिली में ऐसी बीमारी है, अल्जाइमर्स डिजीज फैमिली में है, तो एक जीन होती है APOE4, ये जीन होती है अगर वो आपके फैमिली में पाई जाती है, या फिर अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, स्मोकिंग करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों में दिक्कतें ये होने के चांसेस होते हैं। और इसको आप बेसिकली ये समझिए, प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, दारू मत पियो, एयर पोल्यूशन से बचो, हेड इंजरी नहीं होनी चाहिए, स्मोकिंग बंद करो, डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल करो, अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, अच्छा एक्सरसाइज करो, सोशली अपने आप को एंगेज करो, एक्सरसाइज मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की होनी चाहिए। और अगर आपको एक बार अपने ईयर्स को चेक करो, हियरिंग इशू तो नहीं है, और यू हैव टू डू माइंड एक्सरसाइज, स्टिमुलेट योर माइंड्स विद पजल्स एंड एक्सरसाइजेज एंड मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी टेस्टिंग, राइट, एक्सरसाइज योर माइंड, माइंड इज अ मसल, ठीक है। अगर आप ये सब करोगे तो आपको, अगर ये दिक्कत माइनर लेवल पे हो रही है तो ठीक होने के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें, उस पर्टिकुलर चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।